हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 13 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन लेंगे? तो यहाँ पर 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये चुने गए हैं हमारे अगले मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर, और ये बोरिस जॉनसन की जगह लेंगे। आपको आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये भारत के दौरे पर इन्होंने यहाँ पर रद्द कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो एक नया स्ट्रीम है कोविड-19 का वो बढ़ रहा है लगातार, और इसको देखते हुए वहाँ पर लॉकडाउन जारी किया गया है, और इसी के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे, और उन्हीं की जगह यहाँ पर लेंगे सूरीनामा के गणराज्य के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और वो 26 जनवरी पर हमारे जो मुख्य अतिथि जो हैं उनके रूप में यहाँ पर चुने गए हैं। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं यहाँ पर बी सदीर जापारोव जो हैं वो आपके यहाँ पर चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव। कौन सा देश 51वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस कंट्री होगा? यहां पर 51वें भारतीय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसमें यहां पर होगा डी बांग्लादेश। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है IFFI, इसका आयोजन गोवा के अंदर 26 से 24 जनवरी के बीच में यहां पर आयोजित होगा। बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो बाउंड्री है वो हम सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्रीज होता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। गाइस, आज का जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो हम रखते हैं 1000 लाइक के लिए, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं एक मोटिवेट बिल्ड कीजिए और जल्दी से यहाँ पर वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे। तूफान फिलोमेन मेना, इसमें सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्पेन को प्रभावित किया है इन्होंने, यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मैड्रिड और करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है पेंड्रो सोचेंज। 12 जनवरी को राष्ट्रपति युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। आप लोगों के लिए इस मंथ के पूरे डेज हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से यहां पर 5 कमेंट सेक्शन में इस महीने के जो डेज हैं वो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी से सभी लोग देंगे कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर लिख पाते हैं। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उमेश कुशवाहा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। बिहार जेडीयू के नए अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बने हैं, यह वरिष्ठ नारायण की जगह लेंगे यहाँ पर, वशिष्ठ नारायण की, और आरसीपी सिंह जो है इनको जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जनता दल यूनाइट और अध्यक्ष जो है ये है रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो यहाँ पर स्थापना है वो 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, जनरल सेक्रेटरी हैं केसी त्यागी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये भी जनता दल पार्टी से ही आते हैं। 11 जनवरी 2021 को पांडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DGP के रूप में नियुक्त किया गया है सी रणवीर सिंह कृष्णिया को। पांडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है पुडुचेरी, और प्रधान उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल है यहां पर किरण बेदी, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सेमी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? यहां पर यह हुआ है ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है यहाँ पर, गुजरात के जो माधव सिंह सोलंकी है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका निधन हो गया है यहाँ पर। गुजरात के बारे में बात करें, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं एम विजय रूपाणी, बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर विक्रम नाथ। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की हैं 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा है यहाँ पर 1214 किलोमीटर। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है, यह एक तरह का एक एप्लीकेशन है यहां पर। तो यह है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां पर, सोशल नेटवर्किंग ऐप है। पूरी दुनिया में सिग्नल जो यहाँ पर मैसेजिंग ऐप है इसकी जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी की में बड़ा बदलाव यहाँ पर माना गया है, जो पूरी दुनिया में 8 फरवरी को लागू होने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेगा उसका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो आप अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाला दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केटिंग कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केटिंग कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी 1968, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और एमडी है वो है यहाँ पर, एमडी सीईओ वो है राजेश गोपीनाथन। किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका इसको लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ए करेक्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में यहाँ पर पर्यावरण अनुक्रम और बाथीमेटिक पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। किस देश ने भारत के COVID-19 राहत प्रयोगों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? यह किया है ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन यानी कि लगभग 2113 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य COVID-19 महामारी में गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरी दुनिया में गरीब और कमजोर लोगों को यहाँ पर समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो, हेंशु द्वीप पर स्थित है, करेंसी है जापानी येन, प्रधानमंत्री हैं योशी हिदे सुगा। जो बाइडन ने किन दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा करी है? तो ये की है यहाँ पर सी सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सुहाना गुहा को दक्षिणी एशिया का वरिष्ठ निर्देशक तथा तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का विशिष्ट निर्देशक नामित किया है। कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ये बना है रोहित शर्मा। ए आपका करेक्ट होगा यहां पर। NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है यहां पर इकरा, यहां पर ईडी के द्वारा, यहां पर IREDA है ना। तो यहां पर NHPC लिमिटेड ने 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। स्थापना 1975, मुख्यालय है फरीदाबाद हरियाणा में। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ 1000 लाइक तक हम इस वीडियो को टारगेट रखते हैं। और प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो आपको कमेंट सेक्शन में करना ही करना है। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू।